नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दिखाएंगे आपको कश्मीर की वो रिपोर्ट जिसको लेकर आज दिन भर मचा रहा हंगामा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 4 जजों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में इस समय एक बड़ा बयान आया है जस्टिस कुरियन की तरफ से, जो उन 4 लोगों में से एक थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका कहना है कि ये मामला कोर्ट के अंदर ही सुलझेगा। आपको याद होगा कल 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। आज उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 4 जजों में से एक जज जस्टिस कुरियन का यह कहना है कि बाहर से इस विवाद में किसी भी दखल की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ने इस मामले में कोई दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि ये कोर्ट का अंदरूनी मामला है और इसे कोर्ट के 4 दीवारी के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया था, जो अपील करेगी सब जजों से मिलकर कि इस मामले को अदालत के अंदर ही सुलझा लिया जाए। और अब यही संकेत जस्टिस कुरियन ने भी दिए। तो बड़ी खबर है, जस्टिस कुरियन का एक बार फिर बयान आया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट के अंदर ही सुलझाया जाना चाहिए, इसमें बाहर के दखल की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो बातें कल कही थी उस बात को दोहराया कि संस्थान में सुधार की जरूरत है। और इस खबर पर आगे भी आपको विस्तृत अपडेट मिलेंगे आज तक पर। फिलहाल बात कश्मीर की। कश्मीर को जमीनी स्तर पर कोई सबसे अच्छे तरीके से समझ सकता है तो वो सेना और सुरक्षा बल है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कश्मीर के अंदर तक जान पर खेलकर 24 घंटे उस सोच से मुकाबला करते हैं जिस सोच को अलगाववाद और आतंकवाद के इंजेक्शन से ताकत देने की कोशिश वर्षों से की जाती रही है। लेकिन अगर कोई इस पर खरी बात कह दे तो वो चुप जाती है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने सेना की चुनौतियों और रणनीति के बारे में विस्तार से बताया था। इसमें कश्मीर की भी बात हुई थी, जिसमें जनरल रावत ने कश्मीर की बुनियादी चुनौतियों पर वो सीधी और खरी बात की जो जम्मू कश्मीर सरकार को अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर जनरल रावत ने क्या कहा था, वो कौन से 3 विलेन बताए थे जिससे फैलाई जा रही सोच से कश्मीर को लड़ना होगा। इसमें जनरल रावत ने सोशल मीडिया का जिक्र किया था जिससे कट्टरपंथी बनाने वाली गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं। सरकारी स्कूल कॉलेज का जिक्र किया था जहां क्लासरूम से ही बच्चों के अंदर अलगाववाद के बीज डाले जाते हैं। मदरसों और मस्जिदों की बात की थी जहां लोगों को भड़काने वाले और गुमराह करने का प्रोपोगेंडा होता। इन चुनौतियों से लड़ने के तरीके पर सेना प्रमुख ने कहा था कि सोशल मीडिया पर अफवाहों को काउंटर किए जाने की जरूरत है, ज्यादा पब्लिक और CBSE स्कूल खोलने की जरूरत है, मदरसों और मस्जिदों पर भी थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। यह कौन नहीं जानता कि कश्मीर में 1990 के दौर में कई मस्जिद मदरसे भी आतंकवादियों और कट्टरपंथी विचारों के अड्डे बन गए थे, और पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में ISIS के झंडे किसने नहीं देखे, किसने कश्मीर के स्कूलों में पत्थरबाज बने छात्रों को नहीं देखा। ऐसे में अगर सेना प्रमुख ने अलगाववाद को फैलाने वाली सोच को रोकने के खिलाफ खरी खरी बात की तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार को चुप क्यों गई? ये बातें खुद राज्य की सरकार को करनी चाहिए थी। राज्य सरकार आंख बंद करने से काम चला लेगी लेकिन उससे हालात बदलेंगे नहीं। The damage that is being done to us is through the social media, a very large amount of disinformation campaign which is being spread in Jammu and Kashmir, which is actually radicalizing the youth is through the social media and through the schools. You will be surprised that in the schools in Kashmir, in the government schools, what is being taught. I'll only be happy if you can visit some of these schools and attend a class and see what is being taught. अगर बचपन से ही नफरत की क्लास लगाई जाएंगी, स्कूलों में अलगाववाद की पढ़ाई होगी, झूठ फैलाकर गुमराह किया जाएगा,
तो फिर कश्मीर के बच्चे पत्थर और बंदूक ही उठाएंगे। लेकिन आर्मी चीफ ने ये खरी बात कही तो ये बात जम्मू कश्मीर सरकार के शिक्षा मंत्री को चुभ गई। He's a professional. I have no doubt on his professionalism. But I don't think he is an educationist that he will give sermons on education. And then this being a subject on the state list, this is not on the concurrent list. This falls well within the domain of the state. I don't know whether he is aware of it that education is not on the concurrent list. It is in the domain of the state, and we know how to run our education system. जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री गलत नहीं कह रहे, स्कूल चलाने का काम तो सरकार का है, सेना या पुलिस का नहीं। लेकिन इन स्कूलों में अगर झूठ और नफरत की पढ़ाई होगी, उससे पत्थरबाज बनेंगे और फिर बंदूक उठाने वाले निकलेंगे, तो उससे मंत्री जी को नहीं सेना को ही निपटना पड़ेगा। Teachers, what they are teaching them is something which is, you know, which should not be taught to them. They are being taught of, if you go to any Kashmir school, you will find two maps. One is a map of India and one is a map of Jammu and Kashmir. There are always two maps in every classroom. Why should there be a separate map of Jammu and Kashmir? If you are putting a map of Jammu and Kashmir, you may as well put maps of every state separately if you want to explain states to them. But you'll always find there's a separate map of Jammu and Kashmir. So what does it lead to a children's mind? That I am part of this country, but I also have a separate identity. इसीलिए आर्मी चीफ ने ये बात कही कि कश्मीर में बुनियादी समस्या एक ये भी है कि सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में ही बच्चों के दिमाग में झूठी बातों से नफरत भरी जाती है। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री को ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। आर्मी चीफ बिना पक्की जानकारी के यूं ही कोई बात नहीं कहेंगे। So, you know, the basic grassroot problem lies here is the way the education in Jammu and Kashmir, in the government schools, has been corrupted. Because why? Because the teachers who have come into these schools have also been brought up on the same education. The system of education there, I think, needs to be given a relook. We need to, we have rarely seen stone throwers or people picking up the gun. Yeah, one odd will happen, you know, there'll be an odd PhD professor, even from PhD student, even from Aligarh Muslim University, who can possibly join terrorism. But we have not seen stone throwers and terrorists coming out from Burn Hall or coming out of such schools that exist there or from the DPS. We haven't seen that. We haven't seen so much happening there. He said he's a well-decorated officer and head of a very professional army. Yeah, I would be very happy that they do what they are supposed to do. They have a responsibility. Let them do that responsibility. I don't think separatism will be anywhere. If they do their job well, all problems will be over. जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री को कश्मीर के स्कूलों पर आर्मी चीफ का बोलना अच्छा नहीं लगा। वो आर्मी चीफ को अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कह रहे हैं, लेकिन कश्मीर में आर्मी और दूसरे सुरक्षा बल गुडविल स्कूल भी चलाते हैं। स्कूल चलाना उनका काम नहीं है, उन्हें बंदूक चलाना सिखाया जाता है। फिर भी अगर वो प्रोफेशनल के तौर पर कुछ समस्याएं देख रहे हैं तो उन पर ध्यान देने में बुरा क्या है? A lot of disinformation, the kind of basic education that is being given to them is warped. And the other issue is the madrasas and the masjids. What is being informed to them or incorrectly informed to them is through the madrasas and masjids. So I think some control has to be exercised there. Education has its own domains. There may be education can be given from different domains. Madrasas also give education, and there has been no harm. There is no harm in education is education. यहाँ तो लोग चीन जाते थे तालीम हासिल करने के लिए, तालीम के लिए किसी का कोई ये नहीं है। कश्मीर में मस्जिद और मदरसों का हाल सब जानते हैं। हर शुक्रवार को श्रीनगर में पत्थरबाजी रूटीन है। जिहाद के नाम पर भड़काने वालों की कमी नहीं है। पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराते ही रहते हैं। ये सब कौन नहीं जानता? कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा करना है तो जिहादी सोच की कमर तोड़ देनी होगी। And that is what we are looking at. Can we bring these under control? If these can be brought under control and the education system can be revamped, I think a major revamp is required, and that's why we are looking at our own goodwill schools being given a higher status, opening of more schools, opening of more public schools there, opening of more CBSE funded schools, and that is the way forward, and that is what the government is looking at. That if education is the system that has to be changed, the education system has to be changed, why don't we look at it this way? And that is one issue.
कश्मीर के लिए आखिरी रास्ता यही है कि अलगाववाद की सोच को पनपने की जड़ों को ही सही करना होगा, क्योंकि जब तक ये सोच रहेगी कश्मीर के विलन कश्मीर को आतंक से तबाह करते रहेंगे। इनको शह देने और उकसाने के लिए पाकिस्तान और उसके एजेंट हुर्रियत गैंग हमेशा तैयार रहती है। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। आज जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ को अपना काम करने की नसीहत दी और यह कहा कि वो स्कूलों और मदरसों के बारे में उपदेश ना दे क्योंकि वो आर्मी चीफ है, कोई शिक्षाविद नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री को 2016 की याद दिलाना जरूरी है, जब स्कूलों में छात्र पत्थर लेकर निकले थे। अगर उनके अंदर अलगाववाद की सोच ना भरी गई होती तो शायद वो तस्वीरें देखने को ना मिली होती। जुलाई 2016 के बाद पत्थरबाजी और हिंसा की वजह से कश्मीर के स्कूल कॉलेज मुश्किल से 80 दिन ही खुल पाए। पिछले साल मई में उन्हीं शिक्षा मंत्री अल्ताफ बुखारी ने पत्थरबाज छात्रों को चेतावनी दी थी, जिनको आर्मी चीफ की बातें आज बहुत चुभ गई हैं। अलगाववादियों की हिंसा की वजह से 2016 में कश्मीर को बंधक बना लिया गया था, जिसमें 130 दिन कर्फ्यू और हड़ताल में निकल गए। 2017 में जब सुरक्षा बलों ने व्यापक अभियान चलाया, सख्ती की, तब जाकर पिछला साल पहले के मुकाबले कुछ चैन सुकून से निकल पाया। पिछले साल फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीर से इकट्ठा किए गए ग्राउंड इनपुट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कश्मीर में अलगाववाद की सोच को ध्वस्त करने की बुनियादी जरूरत बताया गया था। इस असेसमेंट रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे कि कश्मीर में मस्जिद, मदरसे और स्थानीय प्रिंट और टीवी मीडिया के जरिए फैलाई जा रही नेगेटिव सोच पर सख्ती और कंट्रोल किया जाना जरूरी है। उन बातों पर एक्शन लेना जरूरी है जो लंबे वक्त में कश्मीर के हालात को अलगाव की सोच से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। कट्टरपंथी वहाबी विचारधारा से कश्मीर घाटी को बाहर निकालने की जरूरत है, जिससे कश्मीर को भड़काने वाली सोच को ध्वस्त किया जा सके। इसमें कुछ समाचार संस्थानों का भी जिक्र किया गया जो एंटी इंडिया सोच के साथ नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मस्जिद और मदरसों पर कंट्रोल करने की बात अगर आर्मी चीफ ने कही तो आर्मी चीफ ये बात हवा में नहीं कहेंगे, उनके पास निश्चित तौर पर कुछ ऐसी जानकारियां रही होंगी। वैसे ये बात किसी से छुपी नहीं है, जिस तरह से कश्मीर में मस्जिद और मदरसों का राजनीतिकरण होता रहा है, ये कौन नहीं जानता कि अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जाकर भारत विरोधी भाषण देते हैं। मस्जिद, मदरसे अलगाववादी एजेंडा चलाने की जगह नहीं हो सकते। मीरवाइज उमर फारूक जामिया मस्जिद के अंदर किस तरह से अलगाववादी सोच को भड़काने वाले भाषण देते रहे, उसका एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। कहा कि कश्मीर मुतनाजे है, कश्मीर डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट में अक्वामे मुत्तहिदा एक पार्टी है, हिंदुस्तान की अदलिया, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, अदालती फैसला उसका इस कश्मीर के हवाले से नहीं चलेगा और हम चलने भी नहीं देंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। अभी से देख सुनकर कौन नहीं मानेगा कि कश्मीर में मस्जिदों मदरसों को अलगाववाद की सोच पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज में भी अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संचार मंत्री मनोज सिन्हा और पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल हुए थे। इसमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर में एजुकेशन और कनेक्टिविटी के मुद्दे पर मंथन हुआ था। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के स्कूलों के लिए राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम लाने की बात की गई थी। इसे उस नेगेटिव सोच को ध्वस्त करने के लिए जरूरी बताया गया जिससे युवा गुमराह होते। इसमें कश्मीर के अंदर ज्यादा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल और CBSE के स्कूल खोले जाने पर बात हुई। इस पर भी विचार हुआ कि कश्मीर में मदरसा एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए और इन्हें कट्टरपंथी विचारों से हटाया जाए। एक अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त करीब 240 एक्टिव मदरसे हैं, जिनमें मॉडर्न एजुकेशन को मजबूत किया जाना बेहद जरूरी। अलगाववादियों का एजेंडा कहां से चलता है यह सबको पता है। यह हर वक्त एक ही रट लगाते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर बात की जाए, लेकिन जब बात करने के लिए सरकार आगे आती है तो यह घरों से निकलते नहीं। कश्मीर के मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी 2 महीने पहले विशेष दूत नियुक्त किया था, जिससे अलगाववादी नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल विधानसभा के अंदर क्या कहा यह सुनना भी बहुत जरूरी है। सर, हम कब तक पीछे पीछे फंसे रहेंगे? और मैं बार बार कहती हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी मां है,
जो मिलना है इसी के बीच में मिलना है, इसी से मिलना है, इसके आगे कुछ नहीं है। जो कुछ है इसमें है, इसमें इतनी वसत है। इंटरलॉक्यूटर सर, आज तक कब ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट बनाया, अपॉइंट किया और उसको कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक दिया? यानी हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़े ब्यूरोक्रेसी का जो ओहदा है उसको दिया। अब बातचीत करनी है, आप सर जानते हैं एक अंग्रेजी मुहावरा है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द स्ट्रीम, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो पर उसको पानी पीने के लिए तो फोर्स नहीं कर सकते। और खबरदार में वक्त फिलहाल चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको हिंदुस्तान के उस हिस्से में ले चलेंगे जिसे आप स्नोलैंड कह सकते हैं, फ्रोजन लैंड कह सकते हैं या फिर बर्फिस्तान कह सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।